लगा कान लगा, अब मजाक नहीं कर, कान लगा देख सुन, जो ट्रेन गई आ रही आवाज आ रही है ना, आ रही है ना। टी से डर के मारे बंदे, दो दो तीन तीन बंदे एक साथ बाथरूम में गए हैं, टी से डर के मारे कि भाई टी आएगा चलान कर जाएगा। आ जाओ भाई मैं कुछ नहीं बोल रहा, आ जाओ आओ जल्दी आओ। मैंने बोला जब 120 का बिल नहीं है तो 120 का खाना भी नहीं होना चाहिए। रेलवे क्या कहता है, नो बिल नो पेमेंट, ये कहता है रूल यही है। आप ही बताओ, फिलहाल आज की हमारी ट्रेन जर्नी ट्रेन नंबर 12627 कर्नाटका एक्सप्रेस में, जो कि बैंगलोर के एस आर रेलवे स्टेशन चलती है और इंडिया की राजधानी नई दिल्ली तक जाती है। और मैं आपको बता दूं टोटल डिस्टेंस कवर करती है 2392 किलोमीटर जर्नी तय करती है अपने 37 घंटे 40 मिनट में 33 स्टॉप के साथ। तो चलिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर चलते हैं जहाँ से हमारी ट्रेन जो है दिल्ली की ओर जाएगी। तो अपने इस बैंगलोर के रेलवे स्टेशन पर आपको दवाई वगैरह यहाँ पर और टिकट का रिजर्वेशन वगैरह यहाँ पर, और देखिए कितनी चहल पहल है भाई इस रेलवे स्टेशन में, बहुत ही ज़्यादा लोग हैं और काफ़ी चहल पहल है। बाकी आने वाले टाइम में यहाँ पर रेल रेस्टोरेंट भी बन रहा है, सामने आप देख रहे हो वो बन रहा है। तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ। यहाँ पे हॉट एंड कोल्ड बादाम मिल्क जो है 10 रुपये का आपको मिल जाएगा इन अंकल जी से। टेस्ट जो है मज़ा आ गया भाई, जर्नी शुरू करने से पहले एक बादाम मिल्क तो बनता है भाई, कभी भी निकलो यहाँ से तो एक बार जरूर ट्राई करो, काफ़ी अच्छा टेस्ट है इसका। बाकी ये खड़ी हमारी के एक्सप्रेस, ये है अपना कोच S3। और चलिए अपनी सीट पर चलते हैं। जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा। सेवेंटी 78 अपर बर्थ। बाकी दोस्तों साउथर्न रेलवे जो है साफ सफाई के मामले में नंबर वन है। देखिए यहाँ पर ये ट्रेन कितनी चमक रही है, सफाईदार बिल्कुल। देखिए हाथ धोने का ये भी कितना क्लीन है, देखिए यहाँ तक कि कोई गंदगी नहीं है, जैसे होता है ना गुटखा उटका जंग वंग लग रहा है, हाँ साबुन रखने का भी कितना क्लीन है। और देखिए टॉयलेट बाथरूम की अगर बात करें देखिए कितना क्लीन है, एकदम नंबर वन का एकदम साफ सफाईदार हो रखा है इसका टॉयलेट बाथरूम वगैरह, यहाँ तक कि ये भी बिल्कुल क्लीन मिलेगा आपको। तो भाई हेलो यार, थूक क्यों रहे हो तुम यार, ऐसे थूक क्यों रहे हो यार, गलत बात है यार ये, ऐसे ऐसे लोग भाई मिनटों में ट्रेनों को गंदा कर देते हैं। अभी निकलते निकलते ही थूक गया, बताओ यार, मैं ट्रेन की साफ सफाई की बात कर रहा हूँ, उतने में थूक कर चले गया, बताओ भाई यहाँ पर थूक गया। एक बार टाइम देख लो, 7:20 हो गए और हमारी ट्रेन जो है आगे बढ़ चुकी है। ये लोग छोड़ने आए थे, देखिए देखिए भाई आना अंदर, वो लोग रह गए, बाकी कितने सारे लोग जो हैं वो लेट हो गए, रह गए भाई। देखिए लोग भग भग के अभी भी चढ़ रहे हैं, काफ़ी लोग रह गए। बाकी निकल गए बैंगलोर रेलवे स्टेशन से, और मैं आपको बता दूं यहाँ से एक जाती है कर्नाटका संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। आप यकीन नहीं मानोगे वो ट्रेन आज के दिन दोपहर में 2:30 पर चली है, और हाँ ये ट्रेन चली है शाम को 7:20 पर, काफ़ी टाइम का फ़र्क है। पर वो ट्रेन जो है इस ट्रेन के बिल्कुल पीछे रहेगी भाई, उस ट्रेन को ना ये ट्रेन ओवरटेक तो भले ही कर लेती है पर उसको आगे नहीं आने देती भाई, सोच लिए। वो ट्रेन दिन में चली है तब उसका दिल्ली पहुँचने का जो टाइम है वो जल्दी होता है, पर फिर भी ये ट्रेन उसको आगे नहीं आने देती। खड़ी हुई है। राहुल गुप्ता नाम आ रहा है, सीट नंबर कितना है सर? सीट नंबर क्या लिखा है यहाँ पे? 78 है, 78 नंबर सीट है। थैंक यू सर। अस्सी राहुल महादेव नाइक ಅದರ ಏಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅದರ ಏಜ್ ಎಷ್ಟು 91 ಇಂದ ಈ ಭಾಯಿ टिकट तो हमने चेक करवा ली है, पर मुझे टीटी सर की एक बात बहुत अच्छी लगी। मेरे जो है सामने नीचे लोअर बर्थ पे कोई आया नहीं, मैंने बोला
कि सर मैं नीचे बैठ जाऊँ, मुझे ऊपर की सीट मिली है। तो उसने बोला नहीं, आरएसी क्लियर करेंगे हम, यानी कि नीचे की सीट पे दो बंदे बैठाएंगे। ये नहीं कि पैसे लेकर के दे दिया, नहीं भाई, रूल के हिसाब से चलते हैं। इसलिए साउथ इंडिया में जो टीटी है ना, वो जैनवन काम करते हैं। ये LG का है कोई मॉडल? अदरक चाय ಹೌದಾ? ಕಲರ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಕೋಟಿ ಇರ್ಬೇಕು ರೀ. 2 ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಲಕ್ಷ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. तो फिलहाल 27 किलोमीटर की जर्नी तय करने के बाद हम आ गए अपनी ट्रेन के पहले स्टॉप पर, जो कि पड़ता है आपका, यह है लंका रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड है YNK। यहाँ पर 5 प्लेटफॉर्म है और एक दिन में यहाँ पर 64 ट्रेनों का स्टॉप दिया गया। बाकी इस रेलवे स्टेशन पर देखिए, इस तरफ भी प्लेटफॉर्म है और उस तरफ भी प्लेटफॉर्म है। देखिए ग्रीन सिग्नल मिल गया, दिख रहा है? आगे निकल गए यह लंका रेलवे स्टेशन से। और भाई मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है यार, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लो। मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि एक बार आप ये वीडियो जो है पूरी ज़रूर देखना, ताकि आपको यकीन दिलाऊंगा कि घर बैठे एक ट्रेन जर्नी में आप सच में यात्रा कर रहे हो, है ना भाई? सच बोल रहा हूँ ना? हाँ, बिल्कुल यकीन दिलाऊंगा कि आप घर बैठे एक ट्रेन में सफ़र कर रहे हो। किस तरीके से मिडिल क्लास का जो बंदा है वो ट्रेन में यात्रा करता है, क्या क्या खाते पीते हैं, क्या क्या पेंट्री वाले उनको किस तरीके से लूटते, सारी जानकारी आपको देंगे। बस आप एक बार पूरी ट्रेन जर्नी जरूर देखना भाई, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी ये निकल गए यह लंका से। अंधेरी रातों में क्या बेच रहे हैं? खाना। कितने मिलेगा? कितने का ठंडा पानी? 20 का। और जे वाली? जी 60 की है भाई साहब। अच्छा जी, हाँ। चाइना वाला पानी मिला है? पानी कहाँ आता है? फोन पे बोलो। हाँ फोन पे ले, नंबर ले, मोबाइल ले, पूरा मोबाइल डाल ले। चेकबुक ले लोगे? चेकबुक? हाँ चेकबुक ले ले, तुम बताओ। हमारी ट्रेन में ना स्पेशल चेकिंग करने वाले जो हैं टीटी वो आ गए, और उसी को देख के ना काफ़ी सारे लोग, देखो भाई अंदर घुसे पड़े हैं सारे के सारे लोग डर के मारे। देखिए ये भी लोग अंदर घुसे पड़े हैं, पता भाई सारे के सारे घुस गए बाथरूम में, चारों बाथरूम में, बताइए सारे के सारे, है ना? देख रहे? और चेकिंग के दौरान बाहर आ जाओ बाहर, एक भाई आ गया, देख रहे हो छोड़े हुए, और ये आ जाओ भाई बाहर आ जाओ। कट गया भाई, कटना था, कट गया भाई, हाँ गया भाई, आ जाओ बाहर। भैया टीटी चले गए, आ जाओ बाहर, कुछ नहीं हो रहा, आ जाओ बाहर। भाई टिकट ले ली तुमने? जनरल टिकट है, डर के मारे छुपा के देना। चाय पियो, चाय फुल गरम चाय। कितने की है चाय? 10 रुपए की। मजा नहीं है, क्या करें हम? ट्रेन में चाय ऐसी मिल रही है उल्टी सीधी, चाय पीनी है?
चाय क्या आगे पर्चे रखे बड़ा कहाँ से आ गया है? अरे मुंह पर पाउडर लगा रखा है। ये देखो भाई सुबह सुबह पीले वाला क्या करोगे? दुश्मनों का नाशो का परिवार से पहले आप खुश रहे ना बाप दुश्मनों का नाशो लक्ष्मी का वास हो लक्ष्मी का वास तुमने जो बोला हमने तो वो सुन लिया ना। भैया का नाखून देखो एक बार कितना बड़ा है। ये रहा ये रहा ये रहा देखो कितना बड़ा तो वेरी गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है डे टू में महाराष्ट्र के डोंड रेलवे स्टेशन से। स्टेशन कोड है DD। यहाँ पर आप यकीन नहीं मानोगे, एक यहाँ पर एक दिन में 86 ट्रेनों का स्टॉप है और 9 ट्रेन यहाँ से बनकर चलती है। और भैया ये खा रहे हैं हमारे, कितने का लिया है भैया? 30 रुपये का। स्वाद है तो भैया ने लिया है, ये सब्जी है और रोटी है। सही लग रहा ना खाने में? अच्छा है मतलब, है ना? तो भाई ये भैया ले रहे हैं बढ़िया बढ़िया खाना यहाँ पर। ये लिया हमने वड़ा पाव। देखिए भाई ये पाव है, हमारे यहाँ दिल्ली में तो चाय के साथ खाते हैं। और देखते हैं एक बार टेस्ट कैसा है महाराष्ट्र का वड़ा पाव का, है ना। बाकी भाई निकल गए डोंड रेलवे स्टेशन से और ये वड़ा पाव जो दिया मुझे 30 रुपये के 2 पीस दिए। सुबह सुबह बात यह है कि भाई इस टाइम जो है गर्मा गर्म मिल गया, और शाम के टाइम अगर आप लेते तो ठंडा मिल जाता, वो मिल जाता, बट ठीक है खाना लाएगा। वैसे वो कहाँ पर उतर जो बैठे फिर मेरी है क्या क्या खाने में? मटर पनीर की सब्जी है सर, और फ्राई है, वाइट राइस है, चपाती है। कितने रुपए का? 120 रुपए। मटर पनीर की सब्जी है, दाल फ्राई है, वाइट राइस है, चपाती है। मटर पनीर आएगा, मटर पनीर है, दाल फ्राई है, वाइट राइस, वाइट राइस का चावल बोलना, चावल राइस, और सूखी सब्जी नहीं है? सूखी सब्जी चपाती 3000। दही वगैरह दही वाला तो आता भैया इसके। अच्छा लिख ले कितना भैया? दो प्लेट कुछ ऐसे ये स्त्री है, दो प्लेट कर दो। हाँ 80 नंबर। कब तक लाओगे? अभी ऑर्डर लेके आएंगे, इस वाले के ही आना है। दो प्लेट लिख लो, खाना लाना गर्मा गर्म, ठीक है। दाल है, चावल है और रोटी है। दही भैया 4000 कुछ नहीं है? अचार उसमें रहता है, 4 चम्मच रहता है, दही वाला बेच नहीं आता है। दही मिठाई होगा ना? दही आपके मिठाई कुछ तो होगा, स्वीट्स होगा, स्वीट है। हाँ भैया चाहिए 120 रुपये जी सर।
भैया दो खाना आपको। अमित आगे खाना। चलो कोई नहीं, तुम एक काम करना, बिल ले आना, पैसे ले जाना, बात खत्म है ना। और पानी भाई ठंडा लाना, पानी भाई मैं लेके सीधी बात अभी मैं मुंह पे बोल रहा था, वो सही पानी का काम तुम्हारा नहीं है, पानी का काम बिल ले आना तुम, ठीक है। चलो भाई दोनों खाने के लिए ना, दोनों का खाने का लाना भाई 120 के हिसाब से। ओके पैसे की टेंशन मत लेना, पैसे तो देंगे, बिल ले आना और पैसे ले जाना। ये अपना जो खाना है दिखा भाई, ये आ गया अपना खाना, 80 वाला खाना जो है 120 में दे रहे हैं, बताइए। जब ये बोला है कि भैया बिल ले आओ और पैसे ले जाओ, अब देखते हैं 120 का बिल आएगा भी कि नहीं आएगा। वैसे 120 का बिल होता नहीं है, 100 रुपये की मटर पनीर अलग से लगाते, पर उसमें कुछ भी नहीं है भाई, 80 वाला ही खाना है, 110% लूट रहे हैं भैया। चार बार खा चुके क्या बात कर रहे भाई, सुबह से नहीं मतलब इस ट्रेन में। तो भाई बाकी देखो, मैंने लिया है ये 120 रुपये में खाना 80 वाला, जबकि यहाँ पर एक छोटी सूखी आलू की सब्जी होती है वो भी नहीं है इसमें। इन्होंने देखो मुझे क्या क्या दिया, एक ये दाल दे दी है, और देखिए ये दिया है आपको थोड़े बहुत पनीर के पीस हैं और छोले की सब्जी है, छोले देखने को मिल रहे हैं, बाकी अचार दे दिया है, और देखिए भाई ये रोटी दे दी है बताइए, और रोटी भी जो है इसकी हालत ज़्यादा गंभीर सी लग रही है। देखिए ये भाई ये इन्होंने मुझे रोटी दे दी है, वो भी कच्ची कच्ची सी लग रही है, हल्की हल्की गीली गीली सी, बट जो खाना है इसमें ना दही है ना कोई स्वीट है, बाकी ये जो खाना है ये 80 रुपये का खाना है, और अगर दही नहीं है तो 10 रुपये कम हो जाते हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूँ, 120 का मुझे दिया है, अभी इनसे मैं मांगूँगा बिल कि भाई मुझे बिल दे दे इस खाने का, और फिर इनसे बात करेंगे कि भाई क्या कंप्लेंट है क्या नहीं है, वो भी आपको दिखाएंगे। पर ये खाना जो है ना मेरे हिसाब से 80 रुपये से ज़्यादा का नहीं है, क्योंकि इसमें दो एक आइटम और भी कम है। अरे यार देख क्या शरीर, देख क्या गंदम तुम निकल रहा है, क्या ये है मेरा शरीर, खाने बोलो वेज बिरयानी अंडा बिरयानी चिकन बोलो डाल दिया हो गए 240 हो गए, ठीक जाओ भाई। हमें 80 वाली थाली का 180 रुपये का बिल मिला है, जबकि 120 रुपये का बिल आता नहीं है, तो इसलिए फंस गया था वो। तब उसने वो क्या करा कि 180 का बिल लिया है और 120 रुपये हमसे लेकर गया है, दो बंदों की थाली के 240 रुपये लेके गया है। अब भाई एक बार कंप्लेंट करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, फिर इसको पता चलेगा कि ट्रेन में क्या मैटर हो रहा है और किस तरीके से खाना हमें लूटा जा रहा है। इतना बेकार खाना, अब अभी 80 रुपये लेने की जगह 180 का बिल दिया है और 120 रुपये कैश लेके गया है। हाँ मैं हूँ राहुल गुप्ता। हाँ बताइए सर, क्या बताऊँ, कंप्लेंट में आपने लिखा है 180 रुपये मुझसे चार्ज लिया गया। हाँ ये आपने लिखा ठीक है। हाँ और दूसरा बताया आपने कि दाल कच्चा था ना, देखो दाल भी कच्चा था, रोटी दिखाई भाई एक बार देखो, बैग में रख ले, खाना पूरा आपको दिखा दूंगा निकाल कर आप बोलोगे तो। हाँ ये रोटी देख रहे हैं बिल्कुल गीली गीली रोटी आई है, माना कि पन्नी से पसंद गई होगी, हम रोटी ही कहते चलो कोई बात नहीं। एक्चुअली क्या डोन से जैसी गाड़ी आई डोन से आती मंगाते हम लोग, डोन से गाड़ी आई पैक कर दी, पर पराठा पन्नी पैक हो गई आती है, हम कह रहा होता है गाड़ी एक खाना इसमें एलएचबी कोच में खाना तो बन रहा होगा। हाँ खाना बन रहा है, बन रहा है, चपाती नहीं बन, इतना नहीं बन पाता ज्यादा, क्योंकि सब्जियाँ बनती है राइस बनता है। अच्छा और चपाती पिकअप करते हैं, चपाती पिकअप करते हो और सब्जियाँ बनती है, सब्जियाँ सब्जी की हालत देखी थी आपने कैसी थी? सब्जी तो बराबर है, सही है बराबर गुप्ता जी, आप पेंटिंग चलो हम इस कॉर्नर से लेकर उस कॉर्नर तक मैं आपको वही कहना सेम, ऐसा नहीं कि इस कोच के लिए अलग बन रहा हो और एसी के लिए अलग बन रहा हो फर्स्ट क्लास, ऐसा नहीं सर, सेम खाना है। मैं आप पेमेंट में आप चलिए मैं पूरा दिखा दूंगा आपको, ऐसा थोड़ी होता है, आप एक खुद अंदाजा लगाओ क्या हिसाब किताब खाना, मैंने चार बंदे को दिखाया, मैं दिखाता हूँ, मैं बताओ जिसको दिखा, और यहाँ किसी ने दिया खाना क्या आपको, यहाँ पर और किसी को दिया ही नहीं, और प्राइस इतने ओवरलोड बता रहा था ना वो, फिर प्लस खाने में सुनो खाने में क्या हिसाब किताब था आपकी, 80 वाली थाली में ना दही था आपने, मैंने बोला क्या क्या आता है आपको, मैं 80 वाली थाली में आते हैं सूखी सब्जी, एक तो आलू की थोड़ी सूखी सब्जी आती है, एक आएगी आपकी दाल, एक सब्जी और आएगी, दो आएंगी रोटी और चावल, अच्छा दो ही सब्जी आती है, एक दाल और एक मिक्स वेज, चलो दो सब्जी आती है, दाल और मिक्स वेज, मिक्स वेज आते हैं बस दो ही, बाकी दही और दो रोटी, दही ना होने पे दो रोटी आती, तुमने एक रोटी बढ़ा दी, हाँ रोटी बढ़ा दी, ये कह रहा है ना दही की जगह आपने रोटी का, एमआरपी का रोटी का पड़ता है उसका
10 रुपए का एक रोटी अगर आप खरीदोगे या दो रोटी खरीदोगे उसका बिल भी मैं आपको निकाल के दिखा दूंगा। एक रोटी का 10 रुपए, मैंने दही की जगह पर रोटी है ठीक है। अब रहा उसका सवाल उसका 120 का, उसके लिए 120 सूखी सब्जी ठीक है। आपने जो मुझे बिल दिया वो आला कार्ट का बिल दे दिया मुझे आपने, मटर पनीर का अलग, मटर पनीर का जो बिल बनाया उनका इसका आला कार्ट की तरफ से बिल बना दिया। बोला था वेंडर को हमने, इसको बोल देना भैया को इसका बिल नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं आप उनका एक चार्ज लिया इस चीज का और एक अगर बिल चाहिए तो ऐसा वाला ये बिल मिल जाएगा, ये बोला था उसने, बोला होगा। हाँ उन्होंने मुझे बताया था, पर मैंने बोला फिर जब 120 का बिल नहीं है तो 120 का खाना भी नहीं होना चाहिए। रेलवे का कहता है नो बिल नो पेमेंट, ये कहता है रूल यही है, आप ही बताओ। हाँ नो बिल नो पेमेंट, फिर 120 का खाना नहीं तो 120 का खाना कैसे बिक रहा है। अगर उसने मुझे पनीर की सब्जी दी तो मुझे सुनो आपने मेंशन करते ना 120, मेरी बात सुनो, अगर आपको वो करना था तो आप एक अलग से सब्जी ला के देते ऊपर से, तो लगता कि भाई खाना जेन्युइन है। ये जो उतर रहे हैं जल्दी जल्दी ट्रेन से, देख ये होते हैं बाहर के वेंडर, सफ़ेद सफ़ेद से कट्टा ले लिया कुछ ले लिया, इनसे सतर्क रहना बेचने वालों से। देखिए वो रहा, देखो एक ये बेच रहा है, चलो 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 बिक गया माल, बिक गया बिक गया, मजा आ गया, पसीना निकल गया गांव में बोल। हाँ तेरा नोट भी तो भरे हुए हैं जेब में, नोट क्या मेहनत कितनी हुआ थी अभी तो फिर मजा नहीं आया, बिक गया भाई बेच के। देखिए ये देखो दीवार फांग रहा, देखिए देखो दीवार कूदने के बाद अभी गायब हो जाएगा। चलो 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 दस रुपए चलो चलो चलो, ये चलो 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 पहले साइड में हो जाओ, साइड में हो जाओ। तो भाई हम आ गए महाराष्ट्र के मनमाड रेलवे स्टेशन पर, स्टेशन कोड है MMR, और मैं आपको बता दूं भाई खाने पीने को लेकर के या फिर किसी भी बात को लेकर के अगर ट्रेन में आपके साथ गलत व्यवहार हो रहा है या फिर कोई भी परेशानी है तो बेधड़क होकर आप 139 पर फ़ोन कर सकते हो, अपनी कंप्लेंट का सुझाव करवा सकते हो। जैसे भाई वो हमें खाना उल्टा सीधा दिया था इसलिए हमने मजबूरन फ़ोन कर दिया, उसके बाद भाई मैनेजर भगा भगा आया कि मेरी कंप्लेंट क्लोज करवा दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरे 5,000 लग जाएंगे भाई प्लीज़ ऐसा कर लो। हमने उसको समझाया कि भाई गलत करने का जो तरीका है ना वो गलत ही होता है, तो इसलिए उसने कंप्लेंट हमारी क्लोज करवाई, कह रहे आगे से मैं ऐसी गलती ना करूँगा। बाकी मनमाड़ कभी भी आते हो तो यहाँ पर देखिए किशमिश और सेब, देखिए ये बेच रहे हैं आपके अनार और किशमिश, लेना ना भूले भाई, बहुत ही ज़्यादा फेमस है मनमाड़ रेलवे स्टेशन पर। बाकी निकल गए मनमाड़ रेलवे स्टेशन से, यहाँ से हमारे जो ड्राइवर थे ट्रेन के जो ड्राइवर होते हैं वो भी चेंज हुए हैं, और मैं आपको बता दूं जो कंप्लेंट करी थी भाई वो अभी तक क्लोज़ नहीं हुई और उसको लेकर के मैटर जो है बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, इसलिए मुझे वापस पैंट्री में चढ़ना पड़ा और यहाँ से लड़के बात करते हैं मैनेजर से भाई क्या क्लोज़ है क्या होगा क्या नहीं होगा, अब नहीं तो फाइन भरेगा नहीं तो वो अपनी गलती को माफ़ी मांग रहा भाई बहुत ज़्यादा ही। बाकी ये अपना डिपार्चर है मनमाड़ रेलवे स्टेशन से। अगर पेंट्री का फूड पैसेंजर सर्टिफाई करके अगर पेंट्री का फूड हुआ तो अगर क्या चाय लिया, अगर 180 लिया है 180 में क्या दिया है, मैं वो पैसेंजर से अभी मीट करता हूँ। तो हाँ आर पे को नंबर हाँ मैं स्वीट ओके मैनेजर हेलो सर, पेंट्री कार मैनेजर बात कर रहा था सर मैं कर्नाटका से, एक कंट्रोल नंबर दिया था एक कंप्लेंट जो हुआ था ना फूड का, हाँ तो पैसेंजर ने पहले बोला होगा असिस्टेंट मैनेजर अभी ये कोई गया होगा तो बोला कि हमारा नहीं है, तो पैसेंजर ने आउटसाइड लिख दिया होगा कंप्लेंट। हाँ मैं चेक किया हूँ कि फूड वो मेरा था, मैं कंट्रोल को बोला है ठीक है, और उनको रेल मदद को उनको बोला है भैया को हमने जो भी आप इसमें जो भी आपका खाना गड़बड़ था ना दाल वाल का चीज उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा कर दिया गया है।
रुके रुके रुके, अरे भुसावल रेलवे स्टेशन पर, स्टेशन कोड है BSL, यहाँ पर 9 प्लेटफॉर्म है और एक दिन में यहाँ पर 315 ट्रेनों का स्टॉप है। और मैं आपको बता दूँ भाई, उस पेंट्री मैनेजर का इतना बुरा हाल हो गया था, उसने अपनी गलती मानी, पुलिस वाले RPF ने भी उसको बहुत सुनाया कि तुम लोगों के साथ ऐसे ही करते हो, हैं तुम्हारा हटा देंगे इस गाड़ी से ये वो। भाई जब जा करके उसने बात करी साउथर्न रेलवे में, भाई उन्होंने चिल्लाया, उसके बाद एक डेढ़ घंटा उसको चिल्लाई पड़ी, उसके बाद भाई क्या हुआ, हमने अपनी कंप्लेंट वापस ली, फिर वो कह रहा भाई मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा, 80 रुपये का खाना था और मैंने आपको 120 में बेच दिया, मेरी गलती है, इसलिए ध्यान रखना 80 रुपये का खाना हमेशा ट्रेन में लेना, उसको बोल देना मुझे 80 वाला खाना चाहिए तो वो समझ जाएगा, अगर आप लड़ाई झगड़ा ना करो तो बेस्ट रहेगा। बाकी अब ट्रेन में खाना और पानी प्रॉपर तरीके से बिक रहा है, रेट टू रेट में। बहुत भीड़ है, ये चना मत साला, चना है, चना का चटपटा, चना है, चना है, ये चना चटपटा, चना है, चना है। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा रेलवे स्टेशन पर आप सभी का स्वागत है, सुबह सुबह मेरी तरफ से आप सभी को राधे राधे और जय श्री कृष्ण। भाई मैं आपको राधे राधे और जय श्री कृष्ण कह रहा हूँ मथुरा रेलवे स्टेशन से, तो भाई आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि एक बार वहाँ से रिप्लाई देना जय श्री कृष्ण या फिर राधे राधे बोलना है। इस मथुरा तक अगर आपने वीडियो देखी है, बाकी भाई मथुरा आते हो तो मथुरा की लस्सी और मथुरा के पेड़े तो टेस्ट करने ही करने हैं, उसी के अलावा मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, बांके बिहारी, निधिवन, प्रेम मंदिर, काफ़ी सारे मंदिर हैं राधा रानी के और कृष्ण भगवान के, आपको वहां पर जाना है और उनके दर्शन जरूर करने हैं। भाई मथुरा जो है ना, इसके कहते हैं इसकी जो मट्टी जो भी होती है ना भाई, उसकी भी लोग पूजा करते हैं, लोग जो है ना मथुरा आने के लिए तरसते हैं, इसलिए एक बार मथुरा आओ तो भाई ये जो मंदिर मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर जाना ना भूलें। बाकी अपनी ट्रेन का यहाँ पर 2 मिनट का बस स्टैंड पे जाना है, कहाँ बस स्टैंड बाहर निकलो यहाँ से, गोवर्धन के लिए मिलेगा, हाँ गोवर्धन के लिए तुम्हें कहाँ से जाना होगा भाई, बाहर निकलते हैं, और मेरी ट्रेन देखो भाई चल दी भाई से बाहर निकल गया, चलो 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 चलो, बात ही कर रहा था उतरे में मेरी भाई ट्रेन चल दी। ऐसा मेरे साथ एक बार कोयम्बतूर में भी हुआ है, मैं उधर आप लोगों से बताता रहा कि कितने स्टेशन है कितने क्या है, उतने में पीछे से ट्रेन चल दी और वो स्पीड भी पकड़ ली, वो तो भाई एकदम से मैं चलती ट्रेन में घुस गया, नहीं तो भाई मेरे साथ एक तरीके से मेरा बैग वैग सब चले जाता। बाकी एक बार जय श्री कृष्ण जरूर बोलना भाई, मेरी आपसे सच में रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है, इतना प्यार दिया है तो जय श्री कृष्ण आप सभी को मेरी तरफ से। डिपार्चर है, राधे राधे। बाकी जो हमारी जो ट्रेन है लगभग यहाँ पर 80% खाली हो गई, सारे के सारे लोग जो हैं मथुरा आगरा झांसी उतर गए, देखिए जितनी भीड़ थी सब चले गए भाई, सारे के सारे लोग वहाँ पर भी जितने लोग बैठे थे गैली वैली में सब चले गए, बस एक दो लोग खड़े हुए हैं वो भी यहाँ बैठने जाए तो बैठ सकते हैं, पर ऊपर बैठे ऊपर नीचे तो हम काम कर रहे हैं। फिलहाल
मैं दिल्ली आ गए, लाइट वगैरह बंद कर दो, इधर भी बिल्कुल बंद कर दो। तो चलिए चलते हैं अपने घर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। तो फिलहाल 2395 किलोमीटर जर्नी तय करने के बाद आखिरकार मैं आ ही गया अपने घर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। यहाँ से मेरा घर मात्र 6 किलोमीटर दूर है और चलते हैं अपने घर, रेस्ट लेते हैं। करीबन 12 दिन से घर से बाहर निकले हुए थे, हालत देख कैसे ख़राब हो गई, बाल वाल सब कुछ। तो भाई इस ट्रेन सफ़र में एक बात बहुत अच्छी रही कि भाई पेंट्री मैनेजर ने हमें खाना पीना बहुत बढ़िया खिलाया, भले ही हमने उसकी कंप्लेंट करी थी, उस बंदे ने अपनी जो है गलती मानी, नहीं तो भाई वेंडर जो है अपनी गलती नहीं मानते, वो कहते मैं था ही नहीं। तो बाकी सफ़र था अच्छा, लगा आपके साथ इस वीडियो में मेरे साथ आप बरकरार रहे, बहुत अच्छा लगा। बाकी मिलते हैं अगली ट्रेन जर्नी में, तब तक के लिए हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो और मेरे साथ घर बैठे एक रियल वाला सफ़र तय करते रहो। और हाँ एक बात और, स्वच्छ रेल स्वच्छ अभियान में सभी का साथ दीजिए, जितना हो सकता है उतना ट्रेन को गंदगी वगैरह ना कीजिए, भाई ट्रेन साफ रहेगी तभी तो सफ़र के मज़े कुछ और ही हैं। बाकी मिलते हैं अगली ट्रेन जर्नी में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय, भूल मत जाना और जय श्री कृष्णा कहकर जाना। जय श्री कृष्णा।